और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। जेजेपी पार्टी में चला इस्तीफे का दौर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जेजेपी पार्टी में इस्तीफे का दौर चला है, दो दिन में चार नेताओं ने छोड़ी पार्टी। तो देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह ने अलविदा कहा है पार्टी को, ये बड़ी खबर आ रही है। रामकरण काला, अनुप धानक ने भी पार्टी छोड़ी है। जेजेपी पार्टी में चला इस्तीफों का दौर, तो दो दिन में चार बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह ने अलविदा कहा है, ये बड़ी खबर। रामकरण काला, अनुप धानक ने भी छोड़ी है पार्टी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी पार्टी में चला इस्तीफों का दौर, ये बड़ी जानकारी आ रही है। दो दिन में चार नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। रामकरण काला, अनुप धानक ने पार्टी छोड़ी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेजेपी पार्टी में इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो दिन में चार बड़े नेताओं ने, जेजेपी के बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। रामकरण काला, अनुप धानक ने पार्टी छोड़ी है। जेजेपी पार्टी में इस्तीफे का दौर चला है, ये बड़ी खबर। दो दिन में चार नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। तो देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह ने अलविदा कहा है, रामकरण काला, अनुप धानक ने पार्टी छोड़ी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिएगा, पार्टी की जो जिम्मेवारियां थी, हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयसिंह चौटाला को अपना इस्तीफा लिख दिया है, हमें जो भी जिम्मेवारियां उसे भार मुक्त कर दिया जाए। और जो समय पिछले 5 साल हमने एक साथ पार्टी में काम किया है और साथ में सरकार के सहयोगी के रूप में हरियाणा जो समय काम करने का विधायक और मंत्री के रूप में मिला, परिस्थितियाँ ऐसी थी और आज की परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई हैं, इस कारण हमने अपने जो जिम्मेवारी थी उससे इस्तीफा दिया है। आगे की रणनीति क्या? टवाणे की जनता और हमारे जो संगठन के साथी हैं और जो हमारी कमेटी है वो ये तय करेगी। तो इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं, तो क्या लगता है कि आपको आजाद उम्मीदवार के तौर पर या कोई पार्टी की कोई? देखिएगा, मैं पहला चुनाव आज़ाद कैंडिडेट के रूप में लड़ा था, मुझे सम्मानजनक वोट दिए लोगों ने, लेकिन चुनाव मैं नहीं जीत पाया था। और मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, एक देशभक्त परिवार में जन्म होना, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हम आगे बढ़े हैं। एक संगठन खड़ा हुआ और वो संगठन है जिससे काम कर रहा है। दूसरा चुनाव भी मेरी जनता, टवाणे की जनता ने लड़ाया था। जो जिम्मेवारी मुझे एक सोशल वर्कर के रूप में है, हमारे परिवार को परमात्मा के आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों के कमगा शिक्षा के वजह से मिली, वो हमने निभाने का काम किया, आज भी हम कर रहे हैं। और एज ए विधायक, जो मैं आगे क्षेत्र को बढ़ा सकता था, एज ए मंत्री प्रदेश को बढ़ा सकता था, तो मैं निष्ठा से मैं लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरा हूँ। और ये 500 कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोगों को सोशल सेवा के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है, चाहे 60,000 के आसपास आंखों का चेकअप कैंप के माध्यम से लोगों को ऑपरेशन, दवाइयाँ, चश्मे फ्री मिलेंगे, बुजुर्गों को हम यात्राएँ करा रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए जल बचाने के लिए सफाई अभियान है, खिलाड़ियों को मोटिवेट है, बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करना है। तो ये परंपरा पहले दिन चलिए, कोई आज की नहीं है, चुनाव के कारण ये परंपराएं हैं। ये 15 साल का लंबा सफर है, वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एक व्यवस्था परिवर्तन टवाणे की राजनीति में हुआ है। स्वार्थ की राजनीति पे सेवा की राजनीति आज कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ी है। स्वार्थ की जो राजनीति, सत्ता सुख वाले लोग थे, वो कहीं पीछे हटे हैं। और जो कार्य हमने शुरू किए डेवलपमेंट के, जनता के आशीर्वाद से आने वाले समय में अगर जनता मौका देगी तो उनको पूरा करेंगे। किसी पार्टी के ज्वाइन करने का कोई आपके दिमाग में हो? मैंने जैसा कि आपको बताया, संगठन के साथियों से विचार विमर्श करके और एक प्रोग्राम सभी कार्यकर्ताओं के साथ बुलाकर, बबली के साथी कार्यक्रम, हमारे जो बबली के साथी हैं, जो बबली के संघर्ष में जिनका बराबर में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, पसीना बहाया है, उन सबके उनसे फीडबैक लेंगे, उनका व्यू लेंगे, और जो हमारी कमेटी लास्ट में निर्णय करेगी। क्या कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं था। उस टाइम जब परिस्थितियां थी, हम कांग्रेस में काम कर रहे थे, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उस टाइम में ये भी टवाणे की जनता का फैसला था, हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे उनका फैसला था, और ये भी उन्हीं का फैसला है। और आने वाला जो चुनाव होगा वो कैसे लड़ना है, वो भी टवाणे की जनता और हमारी जो कमेटी के साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी, ये तय करेंगे।